मैं कुमार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने जो माइनक्राफ्ट का एनिमेशन था को मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ गाइस। ठीक, तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट के एनिमेशन आप बना कैसे सकते हो अपने एंड्रॉइड में। ठीक, सो गाइस आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जो हमें जो एनिमेशन बनाते हैं तो गाइस उसके लिए हमें चाहिए होगा प्रिज्मा 3D। ठीक, ये जो था मैंने आपको एक दिन बताया था कि ट्रांजिट सिमुलेटर में एडवांस कैसे बनाया जाता है, उससे मैं आपको बताया था प्रिज्मा 3D की मदद से। ठीक, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माइनक्राफ्ट के एनिमेशन बना सकते हो प्रिज्मा 3D में। ठीक, उसमें आप मॉडल्स बना सकते हो, खाली मॉडल्स नहीं आप एनिमेशन भी बना सकते हो उसके अंदर गाइस। ठीक, सो गाइस उसके अंदर बना सकते हो, सही में गाइस झूठ नहीं है गाइस, मैं आपको भी दिखा दूंगा। चलिए हम चलते हैं प्रिज्मा 3D के अंदर। सो गाइस हम आ चुके हैं प्रिज्मा 3D के अंदर। सो यहाँ गाइस देखिए हमारा कैरेक्टर भी आ चुका है, माइनक्राफ्ट का ही गाइस कैरेक्टर। ठीक, तो गाइस आपको क्या करना है, हमारा ऐसा वाला चाहिए होगा ऐसा कैरेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये जो कुछ साइड में ऐसे लगे हुए रहते हैं इसको आपको हटा देना गाइस। ठीक, एंड आपको आपको क्या करना है, इस पर टेक्सचर देने के लिए आपको को कोई भी इसका जगह पर क्लिक कर दिए, कोई भी बॉडी पर क्लिक कीजिए। एंड आपको आपको मैं अभी अच्छे से बताता हूँ, आपको इस पर क्लिक करना एंड आप यहाँ पर इस पर क्लिक करना, अब आपको टेक्सचर पर क्लिक करना है। ठीक, एड पे सेक्शन पर क्लिक करना है गाइस। ठीक, एंड अब आपको कोई भी जो आपका इमेज आपको सेलेक्ट करना है ना, अब आपका अपना इमेज जुड़ना है, मतलब कि स्किन का इमेज। ठीक, ये रहा हमारा स्किन। ठीक, और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, इनके हाथ में भी कर देते हैं, वह टेक्सचर आपको सेलेक्ट करना अपने आप हो जाएगा गाइस। ठीक, तो ये देखिए हमारा आ चुका है गाइस। ठीक, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया गाइस, यहाँ पर से वाइट कर देते हैं गाइस। ठीक, ये देखिए हमारा कैरेक्टर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक, एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेशन आपको कैसे बनाना है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मॉडलिंग पर सिलेक्टेड है इसका, सो गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट्स ये जो है ये हम अब वर्क करेंगे। तो गाइस ये आप एरोस नहीं कर देंगे तो हाथ टूट जाएगा। ठीक, सो आपको ये वाले इसको ऑप्शन दबाना है, रोटेट वाले ऑप्शन पे। ठीक, तभी आपका आपका ऐसा हो जाएगा गाइस। ठीक, ये देखिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक, एंड अब हम इसका पेड़ भी ऐसे करते हैं। ठीक, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक, तो इसे हम अंडू कर देते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर अंडू का भी ऑप्शन है प्रिज्मा 3D में। ठीक, एंड अब क्या करते हैं, अब इसके एनिमेशन बनाने के लिए आपको ये वाला दबाना होगा गाइस। ठीक, सो यहाँ पर से दब गया, यहाँ पर से कुछ आपको टाइम मतलब कि यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेंगी, क्या बोलते हैं, हाँ, टाइम लाइन। तो गाइस यहाँ पर माइनस से शुरू है गाइस। ठीक, यहाँ पर -1, 2, 3 और ये हमारा सीधे जा रहा है गाइस। ठीक, ऐड हो रहा है। ठीक, जहाँ से आप शुरू करना चाहते हो वहाँ से आप शुरू कर दीजिए गाइस। ठीक, और जैसे भी आपको करना है आपको अच्छा हल्का से आपको करना है। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो इसका हाथ है, पहले हम इसको हाई, जैसे हाथ है हाई करते ना गाइस, वैसे हमें करना है। ठीक, हल्का से ऐसे कर दिए तो ऐसे हो गया, एंड आपको कोई भी गैप छोड़ के करना है गाइस। ठीक, हल्का हल्का करके आपको सही से समझाता हूँ। ठीक, मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। ठीक, आपको क्या करना है, ऐसे जैसे मूवमेंट कीजिए एंड आपको इसको आपको दबाना है। ठीक, इसको दबाइए तो आपका जो है की फ्रेम लॉक हो जाएगा गाइस। ठीक, एंड आपका हो जाएगा। ठीक, वैसे आपको करना है गाइस। ठीक, सो गाइस हम करेक्ट को हम ऐसे करते हैं गाइस। ठीक, ये देखिए अब गाइस हम इतना ही करेंगे इसको। ठीक, अभी देखिए अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये देखिए गाइस थोड़ा अच्छा है। ठीक, अब हम इसको हाथ को सीधा कर देते हैं। ठीक, एंड अब हम इसको हल्का हल्का सीधा करेंगे। सो गाइस हमने कर चुके हैं, अब यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ गाइस शुरू से। ठीक, ये देखिए यहाँ पर से, यहाँ से ये इसका हाथ सीधा हो गया। ठीक, एंड थोड़ा सा भी गाइस क्या होता है, हल्का हल्का कीजिएगा नहीं तो अपने आप ऐसे ही ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक, एंड अब आपको क्या करना है, वॉकिंग साइकिल करना है। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, इसके इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। ठीक, एंड अब आपको ऐसे रोटेट करना होगा। ठीक, ऐसे, एंड आपको हल्का हल्का जैसे आपको करना है उसी पर करना होगा। ठीक,
हमें इसे करना है ठीक। तो यहाँ पर कर रहे हैं गाइस ठीक, फिर हम इसे नीचे करते हैं। अब हम इसे नीचे करते हैं गाइस ठीक, और नीचे हो रहा है। सो गाइस हमारा एक पेड़ का तो हो चुका है, अब हमको दूसरे पेड़ करने के लिए जहाँ पर अपने उसे किए थे आपको उसी जगह पर आपको करना है गाइस ठीक। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं गाइस ठीक, तो चलिए हम इसको ऐसे ही किए हैं ठीक। एंड हम जैसे ये पेड़ है तो गाइस अभी हम इसे और ऊपर करते हैं, एंड हम इसे अभी नीचे जा रहा तो हम इसे नीचे कर देते हैं, और वो नीचे जा रहा तो इसे हम नीचे कर देते हैं। इसे हम वो थोड़ा गड़बड़ हो गया गाइस ठीक, तो गाइस यहाँ से हम अच्छे से करते हैं ठीक। सो गाइस यहाँ से अब नीचे हो रहा है ठीक, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो गाइस हमारा एनिमेशन थोड़ा सा रेडी हो चुका है, अब प्ले करते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा, थोड़ा गाइस गड़बड़ हो गया वॉकिंग साइकिल में, मुझे ऐसे करना चाहिए था, कोई बात नहीं ऐसे ही है गाइस ठीक। तो गाइस देखिए हमारा यहाँ हाई, एंड अब गाइस थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं गाइस। एंड अब क्या करते हैं, यहाँ से शुरू होगा ठीक, और आप जान जितना बनाना चाहते हैं आप लॉन्ग चाहे शॉर्ट बना भी सकते हो गाइस ठीक। एंड अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर से इसका हाथ जो है इसको ऐसे ऊपर ऊपर करते हैं गाइस ठीक। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है ठीक, ये देखिए हम इसे थोड़ा ऊपर करते हैं गाइस ठीक। तो ये देखिए ये ऊपर हो गया है ठीक, आप दूसरे कैरेक्टर को भी ला सकते हो ठीक। ये देखिए काफ़ी बढ़िया है ठीक, एंड हम इसको नीचे करते हैं ठीक। तो ये अच्छे से नीचे हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर से हमारा ऐसा हो चुका है, अब यहाँ पर जो हेड है अब हम इसको नीचे करते हैं ठीक। तो गाइस थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब कि है अभी नीचे रखते हैं और हल्का सा इसको नीचे करते हैं गाइस ठीक। तो गाइस हम इसे हल्का हल्का नीचे करेंगे गाइस ठीक, तो हम इतना ही नीचे करेंगे गाइस ठीक। एंड अब इसका हेड आप सीधा करेंगे गाइस ठीक, अब हमारा हेड मतलब कि हेड भी सीधा हो चुका है। एंड हम क्या करते हैं, इसका जो पेड़ है गाइस हम इसको थोड़ा ऐसे करते हैं ठीक। सो गाइस हम यहाँ से ऐसे हो चुका है ठीक, और अब हम इसका पेड़ जो है नीचे करते हैं ठीक। और आप भी ऐसे एनिमेशन बना सकते हो ठीक, थोड़ा गड़बड़ हो गया गाइस पेड़ में, तो गाइस यहाँ से हम कर रहे हैं ठीक। सो गाइस अब आपको एनिमेशन आपको तैयार भी हो चुका है, अब आपको क्या करना है, आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है ठीक, ये वाले 3 लाइंस पर ठीक। गाइस थोड़ा दिख नहीं हो रहा ड्रो अच्छे से, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर रेंडर पर क्लिक करना है ठीक। अब आपको रेंडर पर क्लिक करने के बाद अभी हम क्या करते हैं गाइस, कैमरा अच्छे से रखते हैं गाइस ठीक। एंड अब आपको रेंडर करना है ठीक, अब आपको यहाँ पर इस रेंडर पर क्लिक करना है गाइस ठीक। एंड आपका एनिमेशन अब रेडी हो सेविंग होने लग जाएगा गाइस ठीक। और आप यहाँ पर देखिए रिजोल्यूशन कितना रखना चाहते हो, विड्थ कितना, हाइट कितना रखना चाहते हो, और लाइटनिंग कितना, डे या नाइट कुछ भी आप कर सकते हो ठीक। अब हमारा एनिमेशन सेव हो रहा है, मैं आपको सेव हो के अब मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ ठीक। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भी करती रहिए गाइस ठीक। अच्छा सा मैंने एक थोड़ा 8 सेकंड का मतलब कि 6 सेकंड का एनिमेशन है गाइस ठीक। और गाइस ये काफ़ी बढ़िया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर्स आप प्रिज्मा 3D में कैसे डाल सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो निकलेंगे मतलब कि चलते हैं एक और वीडियो के साथ, होते के लिए बाय।